नमस्कार आवाज की दुनिया के दोस्तों, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज की कहानी है मकान, जिसके लेखक हैं कामता नाथ। तो चलिए शुरू करते हैं मकान। चाबी ताले में फंसाकर उसने उसे ऐसा घुमाया पर चाबी ने घूमने से इनकार कर दिया। उसने दोबारा जोर लगाया परंतु कोई परिणाम नहीं निकला। अपनी जेबें टटोलना शुरू कर दी। ऊपर वाली जेब में उसे स्टील का बॉल पॉइंट पेन मिल गया। उसने उसे जेब से निकालकर चाबी के माथे में बने सुराख में डालकर मुट्ठी की मजबूत पकड़ करके पेस्ट कस की तरह जोर से घुमाया। खटाक की एक आवाज के साथ ताला खुल गया। कुंडी खोलने में भी उसे काफी परेशानी हुई। जिन दिनों वह यहाँ रहता था शायद ही कभी यह कुंडी बंद हुई हो, इसलिए उसे हमेशा ही बंद करने और खोलने दोनों में ही परेशानी होती थी। कुंडी खोलकर उसने दरवाजे में जोर का धक्का दिया। दरवाजे के पल्ले काफी मोटे और भारी थे। उनमें पीतल के छोटे छोटे फूल जड़े थे जिनमें छोटे छोटे कड़े लगे थे, जो दरवाजा खुलने और बंद होने में एक अजीब जल तरंग नुमा आवाज करते थे। दरवाजा खोलकर वह दहलीज में आ गया। घुसते ही उसने देखा फर्श पर कुछ कागज आदि पड़े हैं। झुककर उठा लिया, दो लिफाफे, एक पोस्टकार्ड और एक तह किया हुआ कागज। शायद पोस्टमैन डाल गया होगा, उसने सोचा। उसने उनके भेजने वालों के नाम पढ़ने चाहे परंतु प्रकाश नहीं था, कुछ भी पढ़ सकना असंभव था। उसने आगे बढ़कर जीने के पास का स्विच टटोला। अंधेरे में स्विच ढूंढने में कुछ कठिनाई अवश्य हुई। वैसे जब वह यहाँ रहता था तब कितना ही अंधेरा क्यों ना हो, कभी ऐसा नहीं हुआ कि पहली बार में ही उंगली अपने आप स्विच पर पहुंच गई हो। उसे आश्चर्य हुआ कि स्विच ऑन करने पर भी प्रकाश ना हुआ। हो सकता है जीने का बल्ब फ्यूज हो गया हो, उसने सोचा। तभी उसने गौर किया कि नीचे का पाइप जोरों से बह रहा है। लगभग एक वर्ष से मकान बंद था। इसके मायने इतने दिनों से यह पाइप लगातार बह रहा है। उसने अंदर वाले दरवाजे की कुंडी टटोली, ताला नहीं था। अटैची उसने वही दहलीज में रखी रहने दी और कुंडी खोलकर अंदर आ गया। अंदर का स्विच दबाने से भी रोशनी नहीं हुई, केवल आंगन में हल्की चांदी की बर्फियां कटी हुई थी जो ऊपर लोहे के जंगले से छनकर आ रही थी। वह वापस दहलीज में आ गया। मेन स्विच लगा था, हो सकता है वही ऑफ हो, उसने सोचा और जेब से माचिस निकालकर उसके प्रकाश में उसने देखा। परंतु मेन स्विच ऑन था और जीने का बल्ब भी ठीक ही लगा। तभी उसे ध्यान आया कि किसी के भी ना रहने पर बिजली का बिल इतने दिनों से अदा नहीं हुआ होगा, अतः हो सकता है बिजली कंपनी वालों ने कनेक्शन ही काट दिया हो। तब क्या होगा, रात कैसे कटेगी, चलो देखा जाएगा, उसने सोचा और दोबारा माचिस जलाकर अंदर आ गया ताकि कम से कम पाइप तो बंद कर दे। परंतु पाइप में टोटी ही नहीं थी, उसमें दाना निकले हुए मकई के गट्टे का टुकड़ा खोसकर उसे ऊपर कपड़े से बांधा गया था और जो कपड़ा सड़कर फट गया था जिससे पानी बहने लगा था, उसने वैसे ही पड़ा रहने दिया और अटैची लेकर सीढ़ियां चढ़कर ऊपर के खंड में आ गया। ऊपर छत पर काफी चांदी थी। छल्ले से चाबी खोजकर उसने कमरे का ताला खोला और अंदर कमरे में आ गया। यहाँ का स्विच भी उसने ऑन करके देखा परंतु कोई नतीजा नहीं निकला। अटैची एक किनारे रखकर माचिस जलाकर वह इधर उधर देखने लगा। तभी उसे अलमारी में एक मोमबत्ती दिखाई दे गई जिसे पहले किसी ने न जलाया था। उसने उसे जलाकर वही दीवार में बने हुए ताक में चिपका दिया। दीवार से लगे पलंग पर बैठकर उसने सिगरेट जला ली और नीचे उठाकर लाए हुए पत्र देखने लगा। पहले उसने तय किए हुए कागज को देखा, वह बिजली के बिल का फाइनल नोटिस था, कोई 10 महीने पुराना। तब उसने पोस्ट कार्ड देखा, उसका एक कोना फटा हुआ था। उसने जल्दी जल्दी उसे पढ़ा। पत्र उसके ननिहाल से आया था जिसमें उसे उसके मामा के मरने की सूचना दी गई थी। वह मामा के वजूद को भी भूल चुका था। ननिहाल गए हुए भी उसे 8-10 वर्ष हो चुके थे। कार्ड वहीं खाट पर डालकर लिफाफे खोलने लगा। एक किसी शादी का निमंत्रण था, उसने उसे ही पहले खोला। किसी राजकुमार की शादी पर उसे बुलाया गया था। उसने अपनी स्मरण शक्ति पर बहुत जोर दिया परंतु उसे लगा कि ना तो वह किसी राजकुमार से परिचित है और ना ही कार्ड पर छपे किसी अन्य नाम से। पता सीतापुर का था। फिर उसे ध्यान आया कि सीतापुर में उसके पिता की बुआ के कोई संबंधी रहते हैं, कौन है वह नहीं जानता परंतु वे लोग जरूर उससे परिचित होंगे क्योंकि निमंत्रण उसी के नाम से आया था।
आज से कोई 8 वर्ष पहले पिता की पहली बरसी पर माँ के कहने पर उसने सभी अपने रिश्तेदारों को बुलाया था। उनके पते उसने ताऊ के लड़के से, जो उससे उम्र में काफी बड़ा था, लिए थे। उसके बाद से आज तक उन लोगों से नहीं मिला। माँ के मरने की उसने किसी की सूचना भी नहीं दी। इस प्रकार पते तो अलग, उन लोगों के चेहरे भी वह भूल चुका था। उसने कार्ड पर छपी तारीख देखी, यही कोई 3 महीने पुरानी थी। फिर उसने दूसरा लिफाफा खोला, वह उसके अपने मित्र विपिन का था, जो पिछले दिनों इंग्लैंड चला गया था और वहीं किसी अंग्रेज लड़की से शादी कर ली थी। उसने लिखा था कि कुछ दिनों के लिए बहन की शादी पर वह अपने स्वदेश लौट रहा है, वह उससे जरूर मिल ले। यह पत्र भी 3-4 महीने पुराना था। विपिन उसका बचपन का मित्र और सहपाठी था। उसे अफसोस हुआ कि वह उससे मिलने से वंचित रह गया, और गलती भी तो उसकी अपनी थी। अपने ट्रांसफर के बारे में उसने विपिन को कोई सूचना नहीं दी थी। हो सकता है विपिन यहाँ आया भी हो और घर में ताला लगा देखकर लौट गया हो। गली की ओर का दरवाजा खोलकर वह बालकनी पर आ गया। एक कोने में घर की बेकार चीजें जैसे खाली बोतलें, टूटी अंगीठियां और कनस्तर आदि का ढेर लगा था। उसके बगल में एक पुरानी बाल्टी में लगा तुलसी का एक सूखा पेड़ रखा था, जो शायद इतने दिनों तक मानी न मिलने के कारण सूख गया था। यह पेड़ उसकी माँ ने लगाया था जब तक वह जिंदा थी, रोज इसमें पानी देती थी। माँ की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी और उसके ट्रांसफर के बाद छोटे भाई की पत्नी यह काम करती थी। अब तो छोटे भाई का भी ट्रांसफर हुए 1 वर्ष होने आ रहा है, और इस प्रकार खाली घर में पड़ा हुआ यह पेड़ पानी के अभाव में सूख गया था। वह बालकनी की दीवार पर थोड़ा झुककर सिगरेट पीने लगा। गली में बिजली का सरकारी बल्ब जल रहा था, परंतु काफी सन्नाटा था। उसने कलाई पर बंधी हुई घड़ी देखी, 9:15 हुए थे। अभी से इतना सन्नाटा, उसे आश्चर्य हुआ। जब वह यहाँ था तो रात देर तक गली में रौनक रहती थी। मुरली बाबू के दरवाजे की शतरंज तो 12 बजे और कभी कभी उसके बाद तक चलती थी। पता नहीं मुरली बाबू अभी तक जीवित है या नहीं। उनके घर के सामने भी बिल्कुल सन्नाटा था। तभी उसने देखा कोई आदमी साइकिल लिए हुए गली में आ रहा है। वह गौर से देखने लगा। गली में एक एक व्यक्ति को वह पहचानता था। जन्म से लेकर 30-32 वर्ष तक वह इसी मकान में रहा था, परंतु वह कोई अजनबी व्यक्ति निकला जिसे वह पहली बार देख रहा था। वह उसके मकान से आगे जाकर बच्चू बाबू के मकान के सामने रुक गया। साइकिल गली में खड़ी करके उसने दरवाजे की कुंडी खटखटाई। गोद में बच्चा लिए हुए किसी महिला ने दरवाजा खोला और व्यक्ति साइकिल उठाकर अंदर चला गया। शायद कोई किराएदार होगा, उसने सोचा। वह दोबारा अंदर आ गया। खाना वह स्टेशन में आते समय होटल में खा आया था। रात उसे मकान में काटनी थी, बारिश के दिन आ गए थे। भाई ने मकान छोड़ते समय उसे बेच देने का सुझाव रखा था, क्योंकि वह तो मुस्तकिल तौर से दूसरे शहर का हो गया था। भाई के भी वापस इस शहर में ट्रांसफर होने की उम्मीद नहीं थी, और फिर मकान की हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही थी। ऊपर के कमरों की छतें चूने लगी थी, परंतु उसने भाई का सुझाव नामंजूर कर दिया था। उसे उसने लिख दिया था कि मकान खाली करके चाबी वह उसे भिजवा दे, अगली बरसात से पहले जाकर वह उसकी मरम्मत करा देगा, और इसी उद्देश्य से आज वह यहाँ आया था। उसने देखा कमरे की 2 और दीवारों पर पानी बहने के निशान बने थे, जो शायद अभी तक नम थे। इसके मायने 2 बारिशें यहाँ हो चुकी हैं। दीवार में एक जगह क्रैक भी आ गया था। उसने छत पर निकलकर मौसम का जायजा लिया। आसमान साफ था और हवा में कोई खास ठंडक थी नहीं। उसने चारपाई बाहर छत पर निकाल ली और अटैची से दरी, चादर, तकिया निकालकर बिस्तर लगा लिया, परंतु नींद ना आ रही थी, ना ही लेटने की इच्छा हो रही थी। वैसे उसके पास अटैची में 2-1 पुस्तकें भी थी, जिनमें से एक को उसने लगभग आधा सफर में पढ़ा भी था और वह उसे आगे पढ़ना चाहता था, परंतु बिजली ना होने के कारण दिक्कत थी। मोमबत्ती का प्रकाश काफी नहीं था, अतः उसने बिस्तर लगाकर कपड़े बदल लिए और पजामा बनियान पहनकर बिस्तर पर लेट गया। थोड़ी देर लेटने पर उसे लगा कि उसके सफर की कुछ थकान है। लेटे लेटे ही उसने हाथ पैरों को इधर उधर झटका और तब सिगरेट सुलगाकर पीने लगा। पिताजी ने जब यह मकान खरीदा था तब वह पैदा भी नहीं हुआ था। उस समय यह कच्चा था, बाद में पिता ने उसे तिड़वाकर नए सिरे से पक्का बनवाया था। उस समय वह कोई 5-6 वर्ष का रहा होगा। कच्चे मकान की उसे बिल्कुल भी याद नहीं, परंतु जब कच्चा मकान टूटकर नया बन रहा था, उस समय की कुछ कुछ याद उसको है। सामने गली में ईंटों के ढेर लगे रहते थे, वह उन पर चढ़कर खेला करता। एक बार गिर भी गया था और उसके सिर में काफी चोट आ गई थी, जिसका निशान आज तक उसके सिर में है। खच्चरों पर लदकर बालू, सीमेंट, मोरंग आदि आया करती और वह वही खड़ा खड़ा खच्चरों को गिना करता।
तब जाकर माँ को बताया करता कि कितने खच्चर आ जाए। हालांकि खच्चरों को वह घोड़े कहा करता था, उस समय घोड़े और खच्चर में फर्क ना करने की तमीज उसके पास तो थी नहीं। एक बार उसे याद आया दीवार या छत का कोई हिस्सा अपने आप टूट गया था या तोड़ दिया गया था और उसने दौड़कर माँ से कहा, माँ नया मकान गिर पड़ा है। माँ ने उसकी बात को सच मान लिया और हड़बड़ाहट से गली में बाहर निकल आई। उन दिनों पिता ने उसी गली में एक अन्य मकान किराए पर ले लिया था और सब लोग वहीं शिफ्ट हो गए थे। ऑफिस से शायद उन्होंने छुट्टी ले रखी थी और नंगे बदन धोती पहने सारा दिन गली में खड़े मजदूरों और कारीगरों को आदेश देते रहते या फिर बड़े बड़े रजिस्टरों में गुम्मे सीमेंट या मजदूरों की मजदूरी का हिसाब लिखते रहते। पूरी गली में उसका मकान अपने ढंग का बना था। अंदर दालान में खंभों के ऊपर दीवार में फूल पत्तियों की जालियां बनाई गई थी। दरवाजों के ऊपर मेहराबों तथा रोशनदानों में भी जालियां काटी गई थी। हालांकि जब वह बड़ा हुआ तो उसने अपने कमरे के रोशनदानों की जालियों को दफ्ती से ढक दिया था क्योंकि उनसे धूल अंदर भर जाती थी। बारिश में पानी की बौछार भी से उन पर रखा सामान पुस्तकें आदि भीग जाती थी। इसके अलावा उन्हें साफ करने में भी बड़ी कठिनाई होती थी। बाहर से सदर दरवाजे में तो ना जाने कितनी कारीगरी की गई थी। पुराने जमाने में मंदिरों जैसी मेहराब बनी थी। उसके अंदर दोनों और अर्ध गोलाकार शक्ल में बड़ी बड़ी मछलियां बनी थी जिनके बीच एक बड़े से ताक में गणेश जी की मूर्ति बनी थी। बाद में उसी गणेश जी की मूर्ति के ऊपर गौरैया अपने घोंसला बनाने लगी। पिता जब तक जीवित रहे उन्होंने यह घोंसले कभी नहीं बनने दिए। जब भी उनकी निगाह जाती वे घोंसला उखाड़ कर फेंक देते, परंतु उनकी मृत्यु के बाद तो चिड़ियां उनमें अंडे बच्चे भी देने लगी। दरवाजे के दोनों ओर खंभे बनाए गए थे जिनमें फूल पत्तियां देव और किन्नरियां मूर्तियां आदि काटी गई थी। दरवाजे की चौखट में भी जो खासी चौड़ी थी काफी कारीगरी की गई थी। दरवाजे पर गणेश जी की मूर्ति के नीचे पिता ने उसका नाम लिखवा दिया था, शंकर निवास। ऐसा शायद उन्होंने इसलिए किया था कि उस समय उसके और छोटे भाई नहीं थे। अंदर दहलीज में सीमेंट के फर्श पर सोराही बनी थी। इस बात को लेकर पिताजी के मित्र अक्सर आपस में मजाक करते कि जगत बाबू ने सुराही इसलिए बनवाई कि मियां बीवी बैठकर आपस में खेला करेंगे। उसके बाद माँ बाप ने कभी खेला या नहीं वह नहीं जानता, परंतु जरूर छुटपन में अपने दोस्तों के साथ वहां बैठकर वह सोराही खेला करता था। सब तो बना था परंतु उस समय मकान कई मामलों में अधूरा रह गया था। ऊपर के किसी भी हिस्से में प्लास्टर नहीं हुआ था। एक छोटे कमरे की छत भी नहीं पड़ी थी। आंगन में जंगला नहीं लगा था। बाहर सदर दरवाजे में पल्ले नहीं लगे थे। ऊपर तिमंजिले पर जाने के लिए सीढ़ियां नहीं बनी थी। सामने बालकनी की दीवार नहीं बनी थी। छत से आने वाले किसी भी नाली में पाइप नहीं लगा था। यह सब शायद इसलिए रह गया था क्योंकि पिता के पास पैसों की कमी पड़ गई थी। काफी दिनों तक यह इसी तरह पड़ा रहा। फिर कुछ पिताजी के रिटायर होने पर पूरा हुआ और कुछ उसकी नौकरी लग जाने के बाद। वैसे कुछ चीजें आज भी अधूरी ही पड़ी हैं। एकाएक वह डर गया। विचित्र से कोई दो पक्षी कहीं से आकर उसके खाट के ऊपर मंडराने लगे और तब वे सामने वाली दुछत्ती की छत के पटरों के बीच किसी सुराख में घुस गए। उसे समझने में कुछ देर लगी कि वे चमगादड़ थे। उसका दिल अचानक तेजी से धड़कने लगा। वह उठकर बैठ गया और उसने नई सिगरेट जला ली। पहली बार ये चमगादड़ जब पिताजी जीवित थे तब आए थे और इन्हीं धनियों में घुस गए थे। पिता ने दूसरे दिन ही धनियों के नीचे नीम की ढेर सारी पत्तियां जलाकर धुआं कर दिया था। तब सीमेंट की मोरंग से उसमें बने हुए सुराख बंद कर दिए थे। माँ ने शायद उसके अगले इतवार को सत्यनारायण की कथा भी करवाई थी। उसके बाद चमगादड़ दोबारा नहीं दिखाई दिए। अब शायद वे स्थायी रूप से यहाँ रहने लगे थे। तभी वे फिर निकल आए। इस बार चार थे। काफी देर वे आंगन में इधर उधर उड़ते रहे, फिर छत के ऊपर आकाश में कहीं चले गए। उसने गौर किया, नीचे का पाइप अभी बह रहा था। बाहर के दरवाजे भी उसने ध्यान दिया बंद नहीं किए थे। अंदर कमरे में जाकर उसने दोबारा मोमबत्ती जलाई। जलती मोमबत्ती लेकर वह नीचे उतर आया। बाहर के दरवाजे खुले हुए थे। उसने उन्हें भेड़ कर अंदर से कुंडी लगा दी। तब अंदर का दरवाजा खोलकर मोमबत्ती पाइप के पास बनी छोटी सी दीवार पर रखकर इधर उधर कोई कपड़ा खोजने लगा। एक कोने में उसे फटा हुआ कोई कपड़ा मिल गया। शायद वही पुरानी कोई बनियान थी। उसी से उसने एक लंबी सी पट्टी निकाली और मुद्दे की खोखरी में पाइप में खोसकर कपड़े में कसने लगा। पानी गड़ना बिल्कुल बंद तो ना हुआ परंतु काफी कम हो गया। वह वापस ऊपर आने लगा। तभी ध्यान आया कि बाहर का दरवाजा इतनी देर तक खुला पड़ा है, हो सकता है कोई अंदर घुस बैठा हो।
एक बार तो वह डर गया, परंतु फिर उसने सोचा कि वीरान घर में कोई क्या घुसेगा। फिर उसने तय किया कि एक बार सारे घर को देख आएगा। मोमबत्ती अभी काफी शेष थी, कम से कम आधे घंटे तक तो जल ही सकती थी, उसने अनुमान लगाया। आधी सीढ़ियों से वह वापस नीचे उतर आया। पहले उसने बाहर का कमरा खोला। इससे पहले जब वह लोग यहाँ रहते थे तो दरवाजे वाला कमरा कहा करते थे। जब तक वह इंटर में नहीं पहुंचा था तब तक यह कमरा उसके पिता के कब्जे में था। उन्होंने इसमें एक तख्त, एक छोटी मेज और दो चार कुर्सियां डाल रखी थी। दीवारों पर देवी देवताओं के चित्र लगा करते थे। अलमारियों में उनके मतलब की अनेक वस्तुएं जैसे रिंच, हथौड़ी, प्लास, शतरंज की बिसात और मोहरे आदि रखे रहते। आतशदान के ऊपर कपड़े के दो बस्तों में उनकी पुस्तकें आदि बंधी रहती। एक कपड़े में भागवत, महाभारत, रामायण आदि रहती और दूसरे में अलिफ लैला, गुल सनोबर आदि। इसी कमरे में पिता अपने मिलने वालों के साथ बैठकर बातें किया करते थे। दीवार पर मेज, कुर्सी आदि सब अंदर हटा दी जाती। फर्श पर दरी चादर बिछा दी जाती और लक्ष्मी पूजन के बाद से 3 दिन तक लगातार फ्लश खेली जाती। अधिकतर तो गली के लोग ही रहते। वैसे कभी कभी बाहर के लोग पिता के ऑफिस के सहयोगी आदि भी आ जाते थे। वह भी अक्सर रात में पिता के लाख मना करने के बावजूद आकर वहीं बैठ जाता। कभी कभी रात भर बैठा रहता क्योंकि पिता और उनके अन्य मित्र बाजी जीतने में उसे पैसे दिया करते थे। रात भर में वह 2-3 रुपए की रेजगारी जमा कर लेता। परंतु जब वह इंटर में पहुंचा तो पिता अपना सामान अन्यत्र उठा ले गए। शुरू में इस बात को लेकर उसमें और पिता में काफी संघर्ष चला। पिता कहते, सामान वहीं रखा रहने दो ना, तुम्हारा क्या लेगा। परंतु वह अपने कमरे में हथौड़ी आदि रखने के लिए कतई तैयार ना था। आखिर पिता ने हार मान ली और उसने कमरे पर अपना अधिकार जमा लिया। उसके आने के कुछ दिनों के अंदर ही कमरे का हुलिया बिल्कुल बदल गया। आतशदान पर नकली फूलों के गुलदस्ते लग गए। देवी देवताओं के चित्रों के स्थान पर फिल्म स्टारों के चित्र और सीनरियां लग गई। अलमारी में रिंच और प्लास की जगह ज्योमेट्री और अलजेब्रा की पुस्तकें सज गई। बाद में इसी कमरे में तख्त पर सोने में भी लगा। अक्सर छुट्टियों वाले दिन वह अपना खाना भी वहीं मंगा लेता। कभी छोटा भाई दे जाता तो कभी माँ। इस कमरे में रहते हुए उसे जीवन की पहली अनुभूति ही, जिसे किशोर प्रेम कहा जाता है। उन दिनों वह बीए में पढ़ा करता था। सामने वाले मकान में एक नए किराएदार आए थे। नए क्या, काफी दिनों से वहां रह रहे थे। पुरुष आरएमएस में काम करता था और उसकी पत्नी, एक छोटा बच्चा और उसकी किशोर बहन, जिसका असली नाम तो वह आज भूल गया है, परंतु घर में उसे बिट्टी कहा करते थे, उस मकान में रहते थे। बिट्टी की आयु 15-16 की रही होगी। उसकी आंखें काफी बड़ी और खूबसूरत थी, बदन भरा हुआ आकर्षक था। अचानक एक दिन उसने गौर किया कि जब वह अपने कमरे में बैठकर पढ़ता लिखता है तो बिट्टी अपनी खिड़की पर खड़ी होकर उसे देखा करती है। उसे कुछ विचित्र सी अनुभूति हुई। बाद में उसने अपनी मेज घुमाकर इस प्रकार लगा ली कि बिल्कुल उसकी खिड़की के सामने पड़ती। अक्सर दोनों एक दूसरे को गौर से देखते रहते। फिर पता नहीं कब कैसे बिट्टी उसके घर भी आने लगी, उसकी माँ के पास। दो एक बार ऐसा भी हुआ कि सीढ़ियों पर चढ़ते उतरते दोनों एक दूसरे से मिल गए। जानबूझकर तो नहीं, हाँ अनजाने में एक आध बार दोनों के शरीर भी छू गए। उन दिनों वह शैली और किड्स पढ़ा करता था और प्रेम की एक बहुत ही आदर्शवादी कल्पना उसके दिमाग में थी। पूरे 1 वर्ष तक ऐसा रहा। जब भी वह यूनिवर्सिटी से लौट कर आता अपनी खिड़की पर खड़ी मिलती, परंतु दोनों में कभी कोई बात ना हुई। माँ के सामने जरूर एक आध बार इनडायरेक्ट ढंग से कुछ बात हुई, परंतु कोई खास नहीं। हाँ, एक बार की एक घटना हुई थी जिसकी याद आज भी उसे हल्के से कहीं गुदगुदा देती है। रात के कोई 11 बजे होंगे। वह बत्ती बुझाकर लेटा ही था कि दरवाजे पर एक हल्की सी दस्तखत हुई। उसने उठकर दरवाजा खोला तो देखा बिट्टी खड़ी थी। दरवाजा खुलने के साथ ही अंदर आ गई और चुपचाप खामोश खड़ी रही। उसकी समझ में नहीं आया कि क्या बात है। तभी उसने पूछा, क्या बात है। बिट्टी फिर भी खामोश रही और बोली, आपके पास एनासिल नहीं है। भैया भाभी पिक्चर गए हैं, मेरे सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। एनासिल वो तो मेरे पास नहीं है, कहो तो बाजार से ला दो, उसने कहा। बिट्टी फिर कुछ देर के लिए खामोश हो गई, तब बोली, नहीं रहने दीजिए, और चुपचाप वहां से लौट गई। उसके बाद उसे एहसास हुआ कि बिट्टी शायद एनासिल के लिए नहीं आई थी, वह कुछ और कहना चाहती थी। बातों के बीच की खामोशी ने शायद उससे कुछ कहा भी था, परंतु समझ नहीं सका। और अपनी इस मूर्खता का अफसोस उसे तब हुआ, उस सारी रात वह सो नहीं सका था। इंतजार करता रहा कि शायद बिट्टी फिर आए, परंतु वह नहीं आई।
यही नहीं, इसके बाद कई दिनों तक वह अपनी खिड़की पर भी नहीं दिखाई दी। इस घटना के कुछ दिनों बाद ही बिट्टी का विवाह हो गया और वह गुड़ियों की तरह सजकर अपनी ससुराल चली गई। वहां से लौटने के बाद एक दो बार वह जरूर खिड़की पर दिखाई दी, उसके घर भी आई, परंतु तभी उसके भाई का ट्रांसफर कहीं और हो गया और वे लोग मकान छोड़कर चले गए। उन लोगों के जाने के काफी दिनों तक उसे बिट्टी की याद आती रही। उसका मन किसी काम में ना लगता था। घंटों वह पढ़ने की मेज पर बैठे कागज पर बिट्टी का नाम लिखा करता। उसकी ससुराल इसी शहर में थी। अक्सर वह साइकिल लेकर इधर उधर चक्कर भी काटा करता था, परंतु बिट्टी उसे नहीं मिली। हाँ, एक आध बार बाजार आदि में उसने उसे अपने पति के साथ इधर उधर आते जाते देखा। महीनों इस तरह बिट्टी का ख्याल उसे सताता रहा। उसे लगता जैसे उसकी अपनी सबसे कीमती चीज किसी ने उसे छीन ली हो। परंतु धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हो गया। मोमबत्ती लेकर उसने कमरे में प्रवेश किया। वहां काफी गर्द और कूड़ा था। तख्त अब भी अपनी जगह पर पड़ा था। मेज कुर्सियां शायद भाई अपने साथ ले गया था। अलमारियां खाली पड़ी थी। केवल आतशदान के ऊपर गणेश लक्ष्मी की मिट्टी की पुरानी मूर्तियां रखी थी जिनका रंग उड़ चुका था। दीवारों पर कुछ चित्र भी लगे थे। एक चित्र 8 देशों के राष्ट्र निर्माताओं के थे। चित्रों का उसे विशेष शौक था। अपने आप उन्हें 6वें 8वें महीने निकाला और बदला करता था, परंतु यह चित्र काफी पुराना था। दीवारों पर जगह जगह लोना लगने लगा था। अलमारियों की चौखट में कई जगह दीमक भी लग गई थी। दाईं तरफ वाली दीवार में काफी सीलन थी और सीलन पुरानी थी। कारण था म्यूनिसिपालिटी का पाइप जो बाहर गली में उसकी दीवार से मिलकर लगा हुआ था। उन दिनों वह इस कमरे में रहा करता था। यह पाइप अलार्म का काम देता। रेलवे वाले राधे चाचा अपने लोहे का पुराना कड़ेदार डोल लेकर ठीक 4:30 बजे पाइप पर पहुंच जाते और अलाप के साथ ही अपने सिर पर पानी की पहली धार अपने 2.5 किलो वाले पीतल के लोटों से डालते और हर हर गंगे महादेव की आरती गाते जाते। इस पाइप की ही वजह से उसके बाहर वाले चबूतरे का काफी प्लास्टर उखड़ गया था, क्योंकि अक्सर लोग उस पर कपड़े छांटने का काम करते थे। कुछ लोग तो बाकायदा साबुन लगाकर फचाफच धोबी घाट खोल देते। पिता जब तक जीवित रहे अगर कभी किसी को ऐसा करते देखते तो काफी सख्त बातें सुनाकर उससे तुरंत चबूतरा धुलवाकर दोबारा कभी ऐसा ना करने की कड़ी तागीद कर देते। परंतु उनकी मृत्यु के बाद तो वहां बाकायदा धोबी घाट बन गया था और अक्सर लोग कपड़े छांटने के बाद बिना उन्हें धोए ही साबुन का झाग वहां छोड़कर चले जाते। उसने आगे बढ़कर दीवार का दाहिने हाथ की तर्जनी से छुआ तो लाल चूने का ढेर सा मुसमुसा प्लास्टर अपनी जगह गिर पड़ा। जाने किसके कहने पर पिता ने इस कमरे में लाल चूने का प्लास्टर लगाया था। केवल दीवारों तक, छत और फर्श सीमेंट के थे, बल्कि छत में खासी फूल पत्तियां बनाई गई थी जिनके बीच बड़े बड़े लोहे के कड़े लटकाए गए थे। इन कड़ों को हाथ से खींचने वाला पंखा लगाने के लिए लगाया गया था। पिता की काफी साथ थी कि वह पंखा लग जाए, परंतु उनके जीवन में कभी उनकी यह साथ पूरी ना हो सकी। मकान बनवाने में काफी कर्ज उन्होंने ले लिया था जिससे कभी वह जीवन भर उभर नहीं पाए। कमरे से बाहर निकलकर उसने उसके दरवाजे पर कुंडी लगा दी। दहलीज से होता हुआ अंदर दालान में आ गया। अंदर 2 दालानें थी, एक दूसरे से 90 अंश का कोण बनाती थी। पहली दालान छोटी थी, इसमें एक ओखली बनी हुई थी जिसमें माँ कभी कभी दाल वगैरह कूटा करती थी। वैसे इस दालान का कोई खास उपयोग नहीं था सिवाय जूते चप्पल उतारने के। हाँ, ईंधन रखने का काम यहाँ होता था। जब वह इंटर में पहुंचा था तो एक उसे साइकिल मिली थी पुरानी, वह उसके रखने की जगह थी। दूसरी दलान अपेक्षाकृत बड़ी थी जिसका विविध उपयोग होता था। शादी ब्याह के मौकों पर इसमें औरतों का गाना बजाना रत जगे स्वांग होते थे। इसी में लोगों को खाना भी खिलाया जाता था। गर्मी के दिनों में घर के लोग यहीं दोपहर ही काटा करते क्योंकि धूप यहाँ जाड़ा गर्मी बरसात कभी नहीं आती थी। इसी दलान में उसके छोटे भाई का जन्म हुआ और पिता की मृत्यु भी। यहीं फर्श पर उसके पिता की लाश 20 घंटे तक रखी रही थी और उसने सारी रात उसके बगल पर बैठकर जागते हुए बिताई थी। इस दलान से मिली हुई एक छोटी कोठरी थी जिसके अंदर दिन में भी अंधेरा रहता। उसके अंदर एक बड़ी अलमारी थी और दीवार पे एक और लकड़ी के 2 बड़े बड़े टांड बने हुए थे। इन टांडों पर उन दिनों ना जाने कितने बर्तन, पीतल की बड़ी बड़ी पराते, कढ़ाइयां, बाल्टी आदि भरे रहते। लोग उन्हें शादी ब्याह में मांगने आया करते। उसे आश्चर्य हुआ कि आज वे सब कहाँ चले गए। उसके पास तो उनमें से एक भी नहीं थे, भाई के पास भी नहीं। ना जाने इस घर में वे कहीं बिला गए।
इसी कोठरी में वे बड़े बाल्टों में साल भर के लिए अनाज भरा रखा जाता था। यह उसे बहुत पुरानी याद है, परंतु जब से वे हाई स्कूल में पहुंचा तब से तो महीने महीने राशन वाले की दुकान में लाइन लगाकर लाना पड़ता था। इसी कोठरी में ऊपर एक दुछत्ती बनी थी जिसमें प्राकृतिक प्रकाश नाम की कोई चीज सर सीवी रमन के सिद्धांत के बावजूद कभी नहीं पहुंची। इसके अंदर घुसना भी एक कमाल हुआ करता था क्योंकि उसका रास्ता छत से एक चौकोर सुराख काटकर बनाया गया था। आज तो शायद वह घुस भी ना पाए। हाँ, जब छोटा था तो जरूर गेहूं के बाल्टे पर चढ़कर ठीक उसी सुराख के नीचे से घुस जाता था। इसी कोठरी के बगल में एक छोटा कमरा था जिसे मुन्नू दादा वाला कमरा कहा जाता था क्योंकि उसके चाचा जात भाई जिसका नाम मुन्नू था वही रहा करते। उनकी सारी पढ़ाई लिखाई पालन पोषण शादी ब्याह उसके पिता ने किया था। शादी के बाद मुन्नू दादा अपनी पत्नी के साथ यहीं रहा करते। उन थोड़े दिनों के लिए इस कमरे का हुलिया बदल गया था, अन्यथा वह खाली पड़ा रहता। उन दिनों इसकी खिड़कियों में पर्दे लग गए थे, अंदर दीवारों के कैलेंडर अन्य चित्र भी लगे थे। एक कोने में भाभी का श्रृंगारदान रखा रहता, दो एक मेज कुर्सियां भी आ गई थी। मुन्नू दादा की शादी जो इसी शहर में हुई थी मोहल्ले की कुछ नामी ग्रामी शादियों में से एक थी। वह इसलिए क्योंकि उनकी बारात में हाथी घोड़े आदि शामिल थे। डेढ़ दो दर्जन स्त्री पुरुष हाथों में रंगीन कागज की झांकियां लेकर चल रहे थे जिनमें नोट चिपके थे। साथ ही मोहल्ले से निकलने वाली किसी बारात में पहली बार पुलिस बैंड आया था। भाड़ और तवायफे भी थी। माँ ने इन सब बातों के लिए मना भी किया था, परंतु पिता हटी किस्म के आदमी थे, शुद्ध मध्यम वर्गीय संस्कारों से ग्रस्त। उन्होंने अपने प्राइवेट फंड से कर्ज लिया, महाजनों से उधार लिया, जिसे घर फूंककर तमाशा देखना कहते हैं वही किया था। यह सब इसलिए ताकि रिश्ते और मोहल्ले वाले यह न कह सके कि भतीजे की शादी पर जगत बाबू ने कंजूसी की। परंतु इसके बाद तो महाजनों का घर आने का सिलसिला शुरू हुआ तो पिता की मृत्यु के बाद समाप्त नहीं हुआ। एक महाजन तो उनकी मृत्यु के तीसरे चौथे दिन ही आया दमका क्योंकि उसके प्रनोट की तारीख निकल रही थी। उसे भय था कहीं उनका बेटा प्रनोट बदलने से इनकार ना कर दे। शादी कुछ और मायनों में भी उसके खानदान में महत्व रखती थी क्योंकि द्वाराचार के समय किसी बात को लेकर मुन्नू दादा ने अपने ससुर को झापड़ मार दिया था। ससुर ने कुछ कहा तो नहीं, परंतु लड़की वालों की तरफ से और लोग काफी बिगड़ गए। आखिर किसी तरह से निपटारा हुआ, मुन्नू दादा अपनी दुल्हन को लेकर घर लौटे। परंतु इसके बाद मुन्नू दादा अधिक दिनों घर में नहीं रहे। उनकी पत्नी और उसकी माँ में कुछ अनबन रहने लगी। पहले तो घर में ही दो चूल्हे जले और तब पहली बार नीचे के हिस्से में बनी कमरे से लगी रसोई का इस्तेमाल हुआ, अन्यथा जब से मकान बना था वह खाली पड़ी हुई थी। परंतु यह सिलसिला भी ज्यादा दिनों तक नहीं चला। जल्दी ही मुन्नू दादा घर छोड़कर चले गए और धीरे धीरे दोनों परिवारों में आना जाना तक बंद हो गया। इस घटना के 10-15 वर्षों तक जब वह बड़ा हुआ और होली दिवाली पर उसने मुन्नू दादा के यहाँ जाना आना शुरू किया तो संबंध एक बार फिर से बनने लगे। आंगन में वह खड़ा था। इसी आंगन में शादी ब्याह के अवसरों पर मंडप बनाया जाता था। उसके ब्याह के समय भी यही मंडप बना था। हालांकि शादी ब्याह की रस्मों से उसे भयंता चिढ़ थी, फिर भी तेल उपटन वाले स्वांगों में उसे भी भाग लेना पड़ा था। मुन्नू दादा वाले कमरे की कुंडी बंद थी, उसने उसे खोला नहीं, केवल खिड़की के सीकचे से दरवाजे नहीं थे अंदर झांक कर देखा। अंधेरा था और सीलन थी। दीवार पर गेरू से स्वास्तिक सा कुछ बना हुआ था। कुछ देर बाद तक वह इसी खिड़की पर खड़ा रहा, वापस मुड़ा। दहलीज में आकर उसने नीचे के हिस्से के दरवाजे की कुंडी लगा दी, सीढ़ियां चढ़ता हुआ ऊपर आ गया। सीढ़ियां चढ़ रहा था तो मोमबत्ती का पिघलता हुआ गरम गरम मोम उसकी उंगली पर गिर पड़ा, वह जल गया। उसने मोमबत्ती दूसरे हाथ में पकड़ ली और जली हुई उंगली मुंह में डालकर चूसने लगा। ऐसा करने से उसे थोड़ी राहत मिली। ऊपर पहुंचते ही एक बार फिर डर गया। उसके बिस्तर पर एक मोटी सी काली बिल्ली बैठी थी। उसे देखते ही वह कूद कर दीवार पर जा बैठी। एक क्षण में वह छत पर वह खड़ा रहा, तब मकान के ऊपर वाले भाग का निरीक्षण करने लगा। पहले उसने पीछे वाले हिस्सों का कमरा खोला, काफी बड़ा था परंतु लोग इसमें रहते नहीं थे। ज्यादातर यह स्टोर के रूप में काम लिया जाता था। रोजमर्रा इस्तेमाल होने वाला राशन, आटा, दाल, चावल इसमें रखा जाता था। एक अलमारी भी थी जो अंदर अचारों के मर्तमानों से भरी रहती। रोजमर्रा के इस्तेमाल वाले बर्तन भी इसी कमरे में रखे रहते। दीवार पर हड़छट बनी हुई थी। यह कौन सी देवी थी आज तक वह जान नहीं पाया। माँ किसी खास दिन पर यह पूजा किया करती थी। जब भी कोई त्योहार आता, माँ सुबह से उपवास करके बड़ी लगन से पीड़े में रुई भिगोकर दीवार पर यह चित्र अंकित करती।
देवी का पेट चौकोर होता, चारों कोनों पर छोटे छोटे दोपहर होते, ऊपर नुकीला बर्फी नुमा सिर होता, पेट के अंदर माँ जाने क्या क्या सूरज चांद गंगा यमुना सूप चलनी आदि बनाती। वह सोचता, इस देवी के पेट में क्या संसार समाया है, जरूर बड़ी शक्तिशाली होंगी, फिर आज तक इन्होंने इसका नाम क्यों नहीं सुना। देवी के साथ साथ माँ एक और चित्र बनाती जो कुछ इस प्रकार का होता, उसे ऐसे स्थान पर बनाया जाता जहाँ देवी और धोबन एक दूसरे को देख ना सके। हिंदू समाज में धोबन का भी बहुत महत्व है। इस कमरे की भी छत चूती थी, उसने मोमबत्ती के प्रकाश में देखा, दीवालों पर पानी बहने के निशान थे, बीच बीच की एक धनी काफी नीचे झुक गई थी। यही एक कमरा था जिसमें पिता ने स्लैब न डलवाकर धनिया डलवाई थी, इससे के पीछे भी शायद पैसों का अभाव ही था। कमरे से वह उसके बगल की कोठरी में आ गया जिसकी छत उसकी नौकरी लग जाने के बाद पड़ी थी। इससे खाना पका करता था जिसकी वजह से इसकी सारी दीवार छत और धुएं काले पड़ गए थे। बहुत दिनों तक इसमें दरवाजा भी नहीं था जिसके कारण अक्सर बंदर इसमें घुसकर खाने पीने का सामान उठा ले जाते थे। बाद में जीने का नीचे वाला दरवाजा वहां से उखड़वा कर यहाँ लगवा दिया गया। जीने वाला दरवाजा उसके बाद आज तक नहीं लग सका। कोठरी से निकलकर छत पर सोता हुआ वह गली की तरफ कमरे में आ गया जिसमें अटैची रखी थी। इसमें मिला हुआ कमरा और था जो शुरू में काफी छोटा था, परंतु बाद में उसकी शादी के अवसर पर उसे तोड़कर बड़ा किया गया। विवाह के बाद वह इसी कमरे में रहने लगा था। रहने तो खैर पहले से ही लगा था क्योंकि विवाह के बाद यह कमरा उसका निजी कमरा हो गया था। उसकी पत्नी के अलावा शायद ही कभी कोई इसमें आता हो। पत्नी का सारा सामान भी इसी कमरे में रखने लगा था। इसके बाद दरवाजा बाहर बालकोनी पर खुलता था। उसके विवाह के अवसर पर मकान में छोटे मोटे कई परिवर्तन हुए, जैसे ऊपर छत पर जाने की सीढ़ियां बनी, मकान में बिजली का कनेक्शन लिया गया, ऊपर गली की तरफ वाले दोनों कमरों में प्लास्टर हुआ करता था, बालकोनी की दीवार बनी, एक बार फिर घर का खटता हुआ कर्ज दोबारा बढ़ गया। इस कमरे से होता हुआ वह बालकोनी पर आ गया। गली में लगा हुआ बिजली का बल्ब अब तक बुझ चुका था। काफी देर तक वह इसी तरह खड़ा रहा। गली में घटने वाली कितनी छोटी मोटी अनेक घटनाएं, शादी ब्याह जन्म मृत्यु, एक एक करके उसे याद आ गई। कुछ अजीब सी अनुभूति उसे होने लगी। थोड़ी देर बाद ऐसे ही खड़े खड़े उसने एक और सिगरेट ली, फिर वह वहां से हटाया। लौटते समय उसने बालकनी का दरवाजा बंद किया जो आसानी से बंद नहीं हुआ। इस मकान को बनवाने में पिता आर्थिक रूप से टूट गए थे और बार बार टूटे थे, परंतु यही मकान कई बार उनकी परेशानियों में आड़े भी आया। कई बार उसे गिरवी रखकर उन्होंने बड़े बड़े काम निकाले थे। आखिरी बार तो यह हाथ से निकलते निकलते रह गया था। आखिर इसे छुड़ाने के लिए उन्हें देहात की सारी जायदाद बेचनी पड़ी थी। लेटे लेटे उसने अनुमान लगाया कि इसकी मरम्मत में उसे कितना खर्च करना पड़ सकता है। लगभग 1,000 रुपये वह लेकर आया था, परंतु 1,000 में एक कमरे की स्लैब पड़नी भी मुश्किल थी। इस जर्जर हालत को में यह मकान पहुंच चुका था। यह आते समय उसकी कल्पना भी उसने नहीं की थी। वैसे यहाँ उसके बहुत से मित्र थे जिनसे जरूरत पड़ने पर कर्ज ले सकता था। लेटे लेटे वह उनके बारे में भी सोचने लगा। देर तक उसे नींद ना आई। एक बार तो उसकी आंख करीब करीब लग गई थी, परंतु तभी सिरहाने वाली दीवार पर बिल्ली आकर रोने लगी, उसकी नींद उचट गई। सुबह उसकी आंख देर से खुली। नहा धोकर उसने कपड़े बदले और मकान में ताला लगाकर बाहर निकल आया। वह अपने किसी मित्र के यहाँ जा रहा था, परंतु उसे कर्ज लेने नहीं बल्कि मकानों का सौदा कराने वाले किसी दलाल का पता पूछने, ताकि यह मकान वह बेच सके। तो यह कहानी थी कामता नाथ द्वारा रचित मकान।